हमारे साथ राजकुमार जुड़े हैं, स्वागत है आपका। हेलो जी, सवाल कीजिए। बंगाल से राजकुमार बोलते हैं जी। राजकुमार जी बताइए। हाँ बोलते हैं कि इस तरह की शुगर है, एक्टिविटी 9 का प्रॉब्लम है, 1.7 एक्टिविटी 9 जी। ठीक है, मरीज की उम्र क्या है, आयु क्या है मरीज की? 65। तो देखिए, एक दवा और दो काम करती है, और दवा क्या है, एक रॉ मटेरियल समझ लीजिए, ये जैतून का सिरका लें, और ये आपके शुगर को भी कंट्रोल करता है। 2-3 चम्मच रात को पानी में डाल के पिए, 2-3 चम्मच दिन में, और ये आपके जो क्रिएटिनिन यानी किडनी की जो गंदगी होती है उसको क्रिएटिनिन कहते हैं, ये बढ़ा हुआ है, इसको भी ये कम करती है, इन्फेक्शन को भी दूर करती है, खून को भी साफ करती है। तो ये आप लेना शुरू करें, जैतून का सिरका 2-2 चम्मच या 3-3 चम्मच, लेकिन पानी में ही डाल के लेना, क्योंकि ये काफ़ी तेज होता है। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? रामलवाया नमस्कार से जी। चलिए सवाल कीजिए। मेरे शरीर पर तपन निकल के जी खारिश बहुत कर दी है। खारिश और कुछ तो, और तकलीफ हो तो वो भी बता दीजिए, और एज बताइए, अपनी आयु बता दीजिए। 40 साल जी। 40? हाँ जी, ठीक है ठीक है। तो देखिए, बहुत आसान नुस्खा है, आप खुद बना लें, आपके किचन में दोनों चीज़ें हो सकती है। अलसी लीजिए, 100-200 ग्राम खरीद लें, साफ करें, कंकर भी निकलते हैं इसमें, और हल्का सा भून लें इसे, हल्का सा ही भूनना, ज़्यादा नहीं, और फिर इसका पाउडर बना के रखें, इसका सफूफ पाउडर बना के रखें, और 1/2 चम्मच ये लें, और 1/2 चुटकी खाने का सोडा इसमें डालें, और दिन में 1 बार या 2 बार, आप कुछ रोज लेंगे, कुछ दिन लेंगे, तो आपकी परेशानी ठीक होना मुमकिन है जी। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी, नाम बताइए। दिलीप चौधरी जी। दिलीप जी, सवाल कीजिए। मुझे, मैं अमरावती जिला यानी महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। मुझे सुलेमान जी से पूछना है, प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए क्या दवाई है? हेलो, ठीक है ठीक है, और कुछ, एज कितनी है? कुछ नहीं, कभी कभी कैसा है, पेशाब आने के बाद मुझे और पेशाब को जाना पड़ता है, और पेशाब कभी कभी रुकती नहीं। एज कितनी है आपकी, आयु? 65। ठीक है, देखिए बहुत आसान नुस्खा है, आप खुद बना लें और खुद इस्तेमाल करें। अश्वगंधा आपने सुना होगा नाम, एक बहुत मशहूर बूटी है भारत की, अश्वगंधा, असगंध नागौर ही लीजिए, नागौर में पैदा होने वाला असगंध, और ये आप रॉ मटेरियल लेना, कोई आपसे कहेगा पिसावा ले लो तो नहीं, ये डंडियाँ होती हैं लंबी लंबी, 2-3 इंच की 4 इंच की, ये आप 100 ग्राम खरीद लें, और 100 ग्राम आपको लेना है गोंद मोरिंगा, मोरिंगा का गोंद, ये असली लेना, इसमें नकल बहुत आती है, इन दोनों को 100-100 ग्राम लेके पाउडर बना लें, और ऐसे उंगली जैसे ये चुटकी है ना, ये चुटकी में 2 बार लें और खा लें, और पानी या बगैर चर्बी का दूध या जूस पी लें, दिन में 1 या 2 खुराक आप ले सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा मुमकिन है। बिल्कुल, हकीम साहब, इनके लिए कोई यूनानी दवा? हाँ, इसके लिए कैप्सूल पी केयर भी ले सकते हैं, पी केयर दिन में 1 बार या 2 बार लेने से भी इस परेशानी से फ़ायदा मुमकिन है। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी, मेरा नाम रेखा ठाकुर है। जी रेखा जी, ये मुझे खुश, मतलब ये दाग है, और उसमें गोल सर्कल जैसे है, और खुजली चल रही है, तो मतलब वो कहीं कहीं पर निशान है, मतलब बॉडी पर से। अच्छा, 1-2 है या बहुत ज्यादा है? 2-3 जगह है मतलब बॉडी पर।
दो तीन जगह चेहरे पे है और पैर पे है, जीभ पे है। ठीक है, देखिए अभी मैं एक नुस्खा बता रहा था ठाकुर साहब, अगर आप सुन रहे थे, कि अलसी लेना है, अलसी 200 ग्राम ले लें तकरीबन, और इसे हल्का सा भून के पाउडर बना लें, और इसमें आप आधा चम्मच इसका पाउडर खाएं, और इसमें आधी चुटकी खाने का सोडा मिला लें, खाने वाला सोडा, और आधी चुटकी मिलाना, दिन में एक या दो बार आप ये इस्तेमाल करें, और अगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो फिर इसमें अलसी में गौंद मोरिंगा भी 100 ग्राम मिला लें तो और ज़्यादा फायदा मुमकिन है जी। नेक्स्ट कॉलर हैं बीके वर्मा पंचकुला से, हमारे साथ स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी जी नमस्कार। हाँ तो मेरी एज है 72। ठीक है। मुझे अस्थमा है 5-6 साल से। जी अच्छा, देखिए अस्थमा और इस उम्र में बहुत ख्याल रखा करिए अपना, क्योंकि हमारी ज़िंदगी एक सांसों की डोर का ही नाम है, और सांस अस्थमे में सांस की परेशानी होती है। तो मैं आपको नुस्खा भी बताऊंगा घरेलू और दवा भी, दोनों में से जो भी आपको आसानी हो वो कर लें और आपको फ़ायदा रहेगा और लाइफ टाइम खाइए इसको। देखिए अलसी लीजिए 100 ग्राम, और अलसी 100 ग्राम और लिसोड़ा 100 ग्राम, लिसोड़ा 100 ग्राम ये दवाओं के नाम हैं, अलसी 100 ग्राम, लिसोड़ा 100 ग्राम और उन्नाब 100 ग्राम ये भी दवा है। और एक चीज़ आती है जो आपके किचन में गरम मसालों में पाई जाती है, पीपले कहते हैं, इसमें 20 ग्राम पीपले भी मिला लें, आप पाउडर बना के एक एक चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से लेना है, और ज़्यादातर कोशिश करें आप गर्म पानी ही पिए, दिन में कम से कम 5 बार पिए। और माजून आर केयर भी आप के लिए मैं कहता हूँ कि सुबह शाम अगर गर्म पानी से लिया जाए तो आपको काफ़ी राहत मुमकिन है। चलिए इसी के साथ दिल्ली से सुनीता जुड़ी हैं, स्वागत है सुनीता जी आपका। हाँ नमस्कार मैम। जी नमस्कार। पसीना बहुत ज्यादा आता है, और पसीना इतना गंदा आता है कि उससे ना पास नहीं बैठा जाता, नहाने के थोड़ी देर बाद ही उनको बड़ा पसीना आना शुरू हो जाता है। उम्र कितनी है मरीज की? सर उसकी उम्र 12 साल है। ठीक है। और देखिए अगर वो चने से बने हुए या बेकरी से बने हुए आइटम खाते हैं तो कुछ दिन के लिए रोक दीजिए, और गौंद मोरिंगा 100-200 ग्राम खरीद लें, और आधा ग्राम पानी में मिला के दिन में एक बार, या बहुत ज़्यादा परेशानी है तो 2 बार आधा ग्राम खाली पानी में मिला के उन्हें पिला दिया करिए, उनकी ये परेशानी ठीक होना मुमकिन है। ठीक है, साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जय भगवान जी, स्वागत है आपका। बॉन्ड टीवी बोल रहा सर। मैडम बॉन्ड टीवी जी। हाँ ठीक। आगे मेरे को 10 महीने हो गए दवाई खाते हुए। ठीक अच्छा, कुछ और कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। और कुछ बोलना है? हाँ दोनों आइब्रो में दर्द रहता है। अच्छा आपकी एज कितनी है? 70 साल, और दोनों पैर सुने हैं। ठीक है, आप गौर से सुनिए, देखिए कुछ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, आप गौर से सुनिए खूब मेरी बात। देखिए कैल्शियम की कमी मत होने दीजिए, और बोन के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। दूसरा गौंद स्याह लीजिए, गौंद स्याह यानी काला गौंद, काला गौंद लीजिए आप, वैसे 100 ग्राम 150 ग्राम खरीद लीजिए, और अश्वगंधा भी इतना ही खरीदिए, सो जितना काला गौंद खरीदें उतना ही अश्वगंधा खरीदें, दोनों रॉ मटेरियल खरीदें, पिसा पिसाया नहीं लाना, इन सब दोनों को घर पे पाउडर बनाएं, और 2 चुटकी सुबह 2 चुटकी शाम, ये चुटकी है ना
चर्बी वाला दूध ना हो उससे खाएं, पानी से खाएं या जूस से खाएं, और अपने डॉक्टर की भी हिदायत में रहें, आपको फायदा मुमकिन है जी। नेक्स्ट कॉलर है HM आनंद दिल्ली से, हमारे साथ स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, सवाल कीजिए। हाँ नमस्कार अजीम साहब, मैं आनंद बोल रहा हूँ और मेरी उम्र 70 साल है जी। और मुझे 2016 में चिकनगुनिया हुआ था और उसमें मेरी आई साइट पहले तो कम्प्लीटली चली गई थी, देखना बड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन उसके बाद मुझे धीरे धीरे रिकवर हो गया, लेकिन मेरी एक लेफ्ट आई की जो फील्ड है वो चली गई है और मेरे को थोड़ा देखने में भी दिक्कत आती है, तो इसके लिए अगर कोई इलाज है तो मैं जरूर करना चाहूंगा। आपको डायबिटीज तो नहीं है? आपको, मेरे को डायबिटीज भी है और डायबिटीज अंडर कंट्रोल है मेरी, उसके लिए मैं मेडिसिन लेता हूँ एलोपैथिक। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर आपको डायबिटीज नहीं होती तो मैं आपको रोज़ाना एक गाजर का जूस पीने के लिए कहता, मैंने इसलिए पूछा, और पेशेंट को चाहिए अपने कोई और भी रोग हो तो बता दें ताकि हमें भी आसानी हो और आपके लिए भी आसानी हो। देखिए, आपको सौंफ लेना है 1 चम्मच रोज़ाना, सौंफ 1 चम्मच, और इसको 2 गिलास पानी में उबालना है, और जब 1 गिलास पानी रह जाए तो इसको छान लीजिए, और इसमें 0.5 ग्राम गौन मोरिंगा असली मिल जाए कहीं, नहीं मिले तो फिर आप हमें बताना, हमें, हम भी आपकी मदद कर सकते हैं। 0.5 ग्राम गौन मोरिंगा मिला के आप रोज़ाना 1 बार या 2 बार इसको पी लिया करें, और नज़र रखें अपनी बीमारी पर, आपको फ़ायदा हो तो हमें फिर रابطہ कायम करें, हमसे कॉन्टेक्ट करें, हम से बात ना हो तो हमारे डॉक्टर्स हमेशा रहते हैं, उनसे आप पूरी तफसील बताकर आइंदा की मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर है योगेश ग्वालियर से, हमारे साथ स्वागत है योगेश जी आपका। हेलो, 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 हाँ जी, सवाल कीजिए। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार, सुबह सुबह जगते हैं तो हम ट्रेन के पैर रखते हैं तो वो पैर अखड़े से हो जाते हैं और काफी देर में सूर्य से पड़ते हैं, होता है। आपका शरीर अकड़ जाता है? सुबह उठ के? अच्छा, उम्र बता दीजिए, उम्र बता दीजिए। उम्र 40 साल। ठीक है, ठीक है, अच्छा देखिए, एक चीज आती है जिसे हम तमर हिंदी कहते हैं अपनी जबान में, लेकिन लोग इसे इमली का बीज भी कहते हैं आसान जबान में, इमली का बीज, ये इमली खाते हैं ना, बड़ी शौक से खाते हैं ये ख्वातीन, लेडीज़ बहुत शौक से खाती हैं, तो इसका बीज मिलता है, काफ़ी सस्ता होता है, इसका बीज लीजिए 400 ग्राम, और इसको फिर इसे भूने, और भून के इसका छिलका अलग करके इसका पाउडर बनाना, मुश्किल काम है काफ़ी, तो इसका पाउडर बनाना है, और फिर इसमें 400 ग्राम में 100 ग्राम गौन मोरिंगा मिलाना है, और गौन स्याह मिलाना है, और इसको फिर आप 1-1 ग्राम सुबह शाम खाएंगे तो आपकी तकलीफ ठीक होना मुमकिन है। इसी के साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मनप्रीत, स्वागत है आपका। हाँ मैम, मैं जी बोलना चाहता हूँ, मैं सर मेरा शरीर नहीं बनता मैम जी, शरीर नहीं बनता मैं खाता हूँ सर, लेकिन कुछ शरीर में पचता भी नहीं है और शरीर बिल्कुल कमजोर है, तो मैं क्रिस का बता रहा हूँ, एक दवा भी बता देता हूँ, जिन लोगों का जिस्म नहीं बनता और खाते पीते हुए उनको चाहिए कि देखिए गौन मोरिंगा 100 ग्राम लें, सौंठ 100 ग्राम लें, इन दोनों को खूब बारीक पाउडर बनाएं, और 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम दूध के साथ लें, पानी के साथ लें, जूस के साथ लें, ये एक घरेलू नुस्खा है, और
नौजवान हैं आप तो परेशान ना हो बनाने में इसमें उसमें। तो देखिए माजून अखरोट प्राश भी आप ले सकते हैं, और आप एक एक चम्मच सुबह शाम लें। और एक बहुत ज़रा महंगी दवा है वो भी बता देता हूँ, शिलाजीत आधा ग्राम, यानी एक कतरे की बराबर होती है। ये बहुत ज़्यादा तेज़ होती है लेकिन ये रईसों के लिए, आधा ग्राम रोज़ाना खाया करें, इससे भी आपका जिस्म बन सकता है।